Assalamualaikum viewers, this is me Naila Tehreem and I welcome you all to Javed Publishers. I hope you all are fine and doing well. Today we will discuss a topic from General Knowledge Book, chapter number 9, and the name of the topic is Agriculture and Livestock. So let's get started. Take out page number 45 of your textbook. Pakistan is an agricultural country. People who live in villages are mostly farmers. They usually grow crops and rear animals. Let us learn about major crops and livestock farming in Pakistan. Pakistan ek zarai mulk hai. Pakistan ki kareeban 70% abadi dehaton mein rehti hai jo ke zaraat ke peshe se munsalik hai. Ye log mukhtalif mausumon mein mukhtalif faslein ugate hain jabki kuch log maveshi bhi palte hain. Aaiye un major faslon aur पालतू जानवरों के बारे में पढ़ते हैं. मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की कुछ मेजर फसलों के बारे में पढ़ते हैं. इन पाकिस्तान फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द सीजन. पाकिस्तान में किसान मौसमों के हिसाब से फसलें उगाते हैं. सम क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर. कुछ फसलें सर्दियों में उगाई जाती हैं. वीट, बार्ले, पीज, मस्टर्ड एट्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विंटर क्रॉप्स. गंदम, जवार, बाजरा, मटर और सरसों, ये वो वाली फसलें हैं जिनको हम सर्दियों में उगाते हैं. सम क्रॉप्स आर ग्रोन इन समर, जबकि कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको गर्मियों में उगाया जाता है. कॉटन, राइस, शुगर केन, कॉर्न एट्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ समर क्रॉप्स. गर्मियों में उगाई जाने वाली फसलों में कपास, चावल, गन्ना और सिट्टा शामिल हैं. कॉटन प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम क्रॉप्स, कपास से बनने वाली अशिया. पीपल मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम क्रॉप्स, लोग कपास से मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं. कॉटन इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स. इसमें सबसे अव्वल नंबर पर जो चीज़ जो हम कपास से बनाते हैं वो है कपड़ा. लेट अस लर्न द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ मेकिंग क्लोथ. कपड़ा बनाने के मुख्तलिफ स्टेप्स को पढ़ते हैं. अ फार्मर ग्रोज कॉटन क्रॉप, किसान कपास के बीज बोता है. कॉटन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन क्रॉप. एज वी ऑल नो, कपास के पौधों में फूल उगते हैं. थ्रेड इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉटन, इस कपास के पौधों से धागा बनाया जाता है. थ्रेड इज़ डाइड इन डिफरेंट कलर्स, इस धागे को मुख्तलिफ रंगों से रंगा जाता है. क्लोथ इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द थ्रेड इन अ फैक्ट्री, कपड़े को रंगने के बाद धागों को मशीनों पर बुनकर कपड़ा बनाया जाता है और कपड़े को भी रंग दिया जाता है. इस पर मुख्तलिफ नक्शो नगार बनाए जाते हैं. वीट एंड शुगर केन, गंदम और गन्ना. फार्मर ग्रू वीट क्रॉप्स, किसान गंदम की फसलें उगाते हैं. फ्लोर इज़ प्रिपेयर्ड बाई ग्राइंडिंग द वीट ग्रेन्स. व्हेन वीट फ्लोर इज़ यूज्ड टू मेक रोटी. वी प्रिपेयर ब्रेड, बिस्किट्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स फ्रॉम वीट. वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन. खेतों में गंदम की फसल तैयार होती है. गंदम को पीसकर आटा बनाया जाता है और आटे से रोटी बनाई जाती है. आटे से मैदा भी हासिल किया जाता है और मैदे से डबल रोटी, रस, बिस्किट, केक वगैरह बनाए जाते हैं. जबकि गन्ने से हम चीनी हासिल करते हैं. रेजिंग लाइफ स्टॉक, मवेशी पालना. फार्मर्स रियर क्रॉप्स, गोट्स, शीप, कैमल्स एंड हेंस इन फार्म फॉर प्रॉफिट. देहातों में रहने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मवेशी पालते हैं. इन मवेशियों में गाय, बकरी, भेड़, ऊँट, मुर्गियाँ वगैरह शामिल हैं. दिस इज़ कॉल्ड लाइफ स्टॉक और इसको हम मवेशी पालना कहते हैं. इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइव्स ऑफ पीपल. ये इंसानों की ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. We get milk and meat from buffaloes, cows, camels and goats. गाय, भैंस, बकरी और ऊंट से दूध और गोश्त हासिल होता है. Milk is used to make dairy products like butter, yogurt, ghee, etc. We also use the skin of these animals to make leather. दूध से दही, मक्खन, पनीर और घी वगैरह बनता है. इन जानवरों की खाल से हम लेदर भी बनाते हैं. Leather is used to make many things like coat, bags, shoes, etc. और ये हासिल करदा लेदर, इससे हम मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं जैसे कि कोट, बैग्स और जूते वगैरह. वी गेट वूल फ्रॉम शीप, एग्स फ्रॉम हेंस एंड हनी फ्रॉम हनी बीज. हम भेड़ों की खाल से वूल बनाते हैं और मुर्गियों से हम अंडे लेते हैं और लास्ट में हम मक्खियों से शहद हासिल करते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक. Now let's move on to the exercise of this chapter. Your question number 1 is, answer the following questions. Write the names of some of the crops grown in Pakistan. Pakistan mein ugne wali kuch faslon ke naam likhein. And the answer is wheat, barley, rice, peas, chickpeas are grown in Pakistan.
What are the things produced from cotton? We produce threads and clothes from cotton. Question number 3. What do we get from wheat crop? Wheat crop से हम क्या हासिल करते हैं? We get wheat grains from wheat crops. Flour is prepared by grinding the wheat grains. Wheat flour is used to make roti and we prepare bread, biscuits and so many other things from wheat. If you want, you can summarize this answer in your own words. Your next question is, write the names of milk producing animals. We get milk and meat from buffaloes, cows, camels and goats. Your last question, name things that we make from leather. Un cheezon ke naam likhein jo hum leather se hasil karte hain. Leather is used to make many things like coats, bags, shoes, etc. Moving on to the next question, which is filling the blanks by using given words. As you can see on the page of your book, page number 47, they have given you some words. Let me read the words for you. Leather, agricultural, wheat grains, summer and thread. You have to choose a word and fill it in the blank. Number 1. Pakistan is in dash country. And the correct answer is agricultural country. Moving on, I will only read the full statement for you. Cotton is a summer crop. Thread is prepared from cotton. Flour is prepared by grinding the wheat grains. We use the skin of animals to make leather. Your next question, write the names of the things that we get from the animals given below. They have given you 3 pictures of the animals. Number 1 is cow, number 2 is hen, and number 3 is a sheep. You have to write the benefits we take from these animals. What do we get from cow? Yes, we get milk and meat from cow. And what do we get from hen? We get meat and eggs from hen. And what do we get from sheep? Yes, the right answer is wool and meat. Now moving on to the activities of this chapter. Wheat, maize, rice, cotton and pulses. Identify them and display them in your notebook with the name. यहाँ पर आप बच्चों से कहिए कि वो कुछ पौधों के बीज जैसे कि गंदम, चना, चावल, दालें और कपास के बीज इकट्ठे करें, उनके नाम लिखिए और उनको अपनी स्केचबुक पर चस्पा कीजिए। Your next activity, collect some pictures of animals that are red, paste them and make a list of livestock in your notebook. पालतू जानवरों की लिस्ट बनाइए, ऐसे जानवर जिनको हम घर पर रख सकते हैं और जिनसे हम दूध दही हासिल करते हैं। इन तमाम एनिमल्स की पिक्चर्स अपनी नोटबुक पर पेस्ट कीजिए। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू फाइंड इट वेरी इजी। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।